अभी एग्जैक्टली 9 बजे, आज का डेट है 17 जून 2022 और अभी हम लोग जस्ट लोसर से निकले हुए हैं। लोसर यानी एग्जैक्टली लोसर में नहीं थे, जैसे आप लोग पिछले व्लॉग में देखे होंगे, लोसर से बस 1-2 किलोमीटर ही होगा और यहाँ से अभी काजा का डिस्टेंस है 56 किलोमीटर। तो वेदर तो आज काफ़ी ख़राब हो रखा है, जैसे लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा था, लेकिन रोड अच्छा है, रोड कंडीशन काफ़ी अच्छा है, तो होपफुली जल्दी पहुंच जाएंगे काजा तक। ये हमारे स्टे से जहाँ चिचोंगवे थे वहाँ से बस 15 मिनट्स का टाइम लगा, लेस देन 15 मिनट्स, इनफैक्ट 10-15 मिनट्स जैसा। और यहाँ का लैंडस्केप तो कुछ अलग ही है, जस्ट लुक एट दिस लैंडस्केप। मुझे पता नहीं गोप्रो में कितना समझ में आ रहा है ये, लेकिन कुछ अजीब ही है। और यही शायद जो टॉप से देख रहे थे ऐसा ही होगा, जो क्योंकि उसका नीचे तो दिख नहीं रहा था उस टाइम। बस आधा घंटा भी हुआ नहीं अभी निकले हुए सुबह। अभी देखिए ये स्ट्रक्चर, आपको और बेटर समझ में आएगा। अरे मौसम साफ होता, अच्छा वेदर होता तो और भी मजा आ जाता। अमेजिंग नेचर यार। हंसा गांव पहुंच गए हम लोग, 1 किलोमीटर दिख रहा है, मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है हंसा गांव। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है काफी होमस्टेज और रहने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो अगर बाई चांस लोसार में नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे SBI का ATM भी है, आई थिंक ATM नहीं ब्रांच है ये, शायद अंदर ATM भी होगा। यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल भी है, काफी बड़ा गांव है, मतलब लोसार के मुकाबले भी थोड़ा बड़ा लग रहा है। लोसार में इतना फैसिलिटीज तो नहीं देखा था मैंने, इतना स्कूल बैंक ये सब नहीं था। काफी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो अगेन मुझे फिर से एक ही बात रिपीट करना पड़ेगा, जस्ट लुक एट दिस व्यू। और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये व्यू देख के मैं खुद ही स्पेल बाउंड हूँ। क्या अमेजिंग रॉक फॉर्मेशंस है। यहाँ से देखिए व्यू और भी बढ़िया लग रहा है थोड़ा नीचे आके। अभी वेदर बहुत अजीब हो रखा है, धूप भी है, बारिश भी हो रहा है, और यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, इतना ज़्यादा कि मतलब आपको ऑलमोस्ट हर 5 मिनट में रुकने का मन करेगा। ये कौन सा ब्रिज है, ये छिछम ब्रिज तो नहीं है?
ये लैंडस्केप, ये सीनरी, इसका क्या ही बोलूं मैं, मेरे पास तो सब कम पड़ रहा है। आप भी बस एंजॉय कीजिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बात करने के लिए मेरे पास है नहीं कुछ। अभी टाइम हो रहा है 10, एक घंटा हो गया ऑलमोस्ट आज के राइड का, लेकिन इसके बीच हम लोग काफ़ी बार रुके हैं और यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना खूबसूरत रूट है, इतना बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं, खाली एक ही रिग्रेट है आज के वेदर का। वो क्या स्नो है वो पहाड़ के बीच में, अजीब बात है, कहीं पे कोई स्नो नहीं है, बस उसके बीच में थोड़ा सा स्नो बना पड़ा है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में कहीं हम फंसे हुए हैं। कल पूरा दिन वो मनाली से लोसर, मतलब स्पेशली कोक्सर से लोसर, वो रूट पे चलाने के बाद आज ऐसा रास्ता मिल रहा है, बहुत सुकून हो रहा है, इतना आराम लग रहा है आज। और उसके साथ ऐसा व्यूज, ऐसा नज़ारे, और क्या मांग सकते हैं। इज दैट चीचम ब्रिज, आई एम नॉट श्योर अगेन, चीचम ब्रिज कहाँ गया, मैं क्रॉस करके तो नहीं आ गया, मुझे वहां पे फोटो लेना था। नहीं नहीं, ये चीचम ब्रिज नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा सा कोई ब्रिज है, लेकिन व्यू तो बहुत बढ़िया है, नीचे स्पीति रिवर, ये ब्रिज और ऊपर ऐसा पहाड़ों का स्ट्रक्चर्स, अमेजिंग। One vehicle at a time. Okay. ये ऊपर लिखा हुआ है ओम मणि पद्मे हूम, ये मेरे प्रेयर फ्लैग में भी है, मेरे की चेन में भी है। तो ये जो गांव है, ये गांव है मोरांग, और मेरे ख्याल से काजा अराउंड 20 किलोमीटर जैसा होगा यहाँ से। ये कोई मॉनेस्ट्री होगा शायद यहाँ पे, और ये वाइल्ड फ्लावर्स कितना अमेजिंग लग रहा है। और उतना ही अमेजिंग यहाँ के लैंडस्केप्स। जुले, यहाँ पे जितने सारे माइलस्टोन्स हैं ऐसे ब्लैंक ही है, इसमें अभी तक डिस्टेंस का या कोई कुछ मेंशन ही नहीं है। लास्ट 10-12 माइलस्टोन देखा, सब ऐसा ही है। और वो जो मॉनेस्ट्री दिख रहा है बाई तरफ, आई थिंक वही की मॉनेस्ट्री है, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, क्योंकि इस साइड का व्यू मुझे उतना याद नहीं, लेकिन इतना बड़ा मॉनेस्ट्री तो इस रीजन में और कोई है नहीं, तो आई एम गेसिंग वही की मॉनेस्ट्री होगा। और ये जगह पे जितना बैरन माउंटेन्स है उतना ही ज़्यादा ग्रीनरी भी है, बहुत ही अमेजिंग व्यूज है। टाइम हो चुका है 10:35, आराम से पहुंचेंगे काजा, कोई जल्दी नहीं है।
थिंक दैट शुड बी की मॉनेस्ट्री, लेकिन आई कैन नॉट एंटायरली श्योर। और फिर और एक ब्लैंक माइलस्टोन हो चुका है 1051 और काजा बस पहुंचने ही वाले हैं और खाली 3 किलोमीटर बाकी है काजा। और वहां पे हमारा तिरंगा लहराता हुआ, ऐसे लहराता हुआ तो नहीं है, ड्राइंग है, लेकिन तिरंगा देख के अलग ही एक फीलिंग आता है। तो हम लोगों को किस तरफ जाना पड़ेगा, आई थिंक नीचे ये लांगजा की तरफ जाएगा। हाँ काजा नीचे उस तरफ, हाँ वो दिख भी रहा है काजा। अभी हम लोग है रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में, ये काजा में है। ये काजा मेन मार्केट से या मेन टाउन से थोड़ा आगे है टुवर्ड्स शिमला वाला जो रूट है। और ये मेरा बाइक अभी सर्विसिंग हो रहा है। इसका अगर लोकेशन आपको एग्जैक्टली बताना हो तो ये ग्रीस मोटो क्लब करके शो करता है और मुस्टैच हॉस्टल और सूट्स के एकदम सामने है। तो आप किसी से भी पूछोगे मुस्टैच हॉस्टल तो दिखा देगा। ये मुझे ढूंढने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ लोकेशन, मार्केट में ढूंढ रहा था, फिर कुछ लोगों ने दूसरा एरिया बता दिया, फिर फाइनली मिल गया। तो अभी सर्विस करा के निकलेंगे फटाफट यहाँ से, फिर देखेंगे क्या प्लान बनता है आज का। तो अभी टाइम हो रहा है 2:15 और अभी हम लोग का लंच भी हो चुका है। मैंने मटन राइस लिया और उमा ने चिकन राइस लिया, तो हम दोनों का मिला के 380 टोटल आया लंच का। और लंच करने से पहले काफ़ी काम भी हो चुका, बाइक का सर्विसिंग हो गया। मैंने एक्चुअली थर्ड सर्विसिंग ही करवा लिया यहाँ से, जो थर्ड फ्री सर्विसिंग होता है वो सर्विसिंग कम्प्लीट हो गया। उसका मुझे जो इंजन ऑयल आता है वो अलग से लेना पड़ा क्योंकि इनके पास था नहीं स्टॉक। तो इंजन ऑयल का 1000 आया, मोटुल का लिया मैंने, और इनका सर्विस चार्ज खाली 104। सर्विस चार्ज मतलब वो एक ऑयल फिल्टर जैसे चेंज किए थे उसका। तो अभी खाना वाना खा के सोच रहा हूँ थोड़ा मॉनेस्ट्री जाऊँ, मॉनेस्ट्री में थोड़ा बैठ के फिर शाम को मेरा दोस्त सोनम भाई आएगा, उनसे मिलना है। काजा में बाइक सर्विसिंग, फिर मॉनेस्ट्री में थोड़ा देर बैठे, उसके बाद होटल वापस आ गए थे। मतलब होटल ढूंढे, उसके बाद काफ़ी ढूंढना पड़ा, बहुत महंगा महंगा मिल रहा था होटल इस टाइम, बहुत टूरिस्ट सीज़न है। तो ढूंढने के बाद एक होटल मिला, जो भी इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इसका नाम मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा, ठीक है। तो ये होटल अच्छा मिल गया मुझे 1000 रुपीज़ में रूम विथ अटैच टॉयलेट। तो ये है रूम इसका, और ये है टॉयलेट। तो 1000 रुपये के हिसाब से और जैसा अभी रेट चल रहा है काजा में, उसके हिसाब से तो काफ़ी सही होटल है। इस ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग काजा का साइट सीइंग करेंगे, जैसे कि मॉनेस्ट्री, लांगजा, हिकिम कोमिक, ये सब। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।